हेलो बच्चों, आज कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको पहले कुछ और सुनाना चाहती हूँ, तो ध्यान से सुनना। मजा आया आपको सुन के? इसे कहते हैं म्यूजिक। और म्यूजिक के बिना हमें कोई भी सॉन्ग इतना अच्छा नहीं लगता, डांस भी अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं आपको ऐसी ही दुनिया में लेके जा रही हूं, और मेरी स्टोरी का नाम है संगीत की दुनिया। तो विवान नाम का एक लड़का था जो अपनी माँ के साथ एक शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जा रहा था। यू नो, क्लासिकल म्यूजिक प्रोग्राम। तो माँ ने कहा, जल्दी चलो। अब विवान की एक मासी थी राधिका, और माँ की बहुत अच्छी सहेली थी फ्रेंड, तो वह भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही थी। और विवान की मम्मा और विवान दोनों तैयार हो रहे थे, और वहां पहुंच के वो मिले अपनी राधिका मासी से। अब राधिका मासी ने विवान से कहा, विवान अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्या तुम अंदर आओगे? विवान और माँ दोनों अपनी मासी के साथ अंदर गए। एक कमरे के बाहर तीनों रुक गए। विवान अंदर देखकर दंग रह गया। ऐसा क्या देखा विवान ने? ये देखिए, ये क्या है? विवान ने कहा, इतने सारे वाद्य यंत्र, इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। विवान ने पूछा, ये क्या करते हैं? मासी ने कहा, वाद्य यंत्रों से संगीत बजता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये, और इनसे हम म्यूजिक बजाते हैं। आओ मैं तुम्हें इनसे परिचित करवाती हूं। विवान जोर से बोला, मां मां देखो कितना बड़ा डब्बा। मां को हंसी आ गई। तब उसकी मासी ने कहा, बेटा ये डब्बा नहीं है। और बात थी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की, तो मासी ने गाते हुए कहा, डब्बा नहीं यह हारमोनियम है कहलाता, हारमोनियम का है संगीत निराला, हवा के प्रवाह से यह धुन बनाता, सारे गामा पथ निसा। फिर आई तबले की बारी। ये देखो तबला, और इसे मासी ने कैसे बताया? और इसे कहते हैं तबला। तबला हमेशा जोड़े में है आता, साथ अपनी गति भी लाता, बड़ा ढोल बाई तरफ छोटा ढोल दाई तरफ, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। और फिर आई सितार की बारी। तो मासी ने कहा, आओ अब देखें हम सितार, लंबी गर्दन इसकी कद्दू सा आकार, मधुर सी बजे मिलकर ये सात तार, लोकप्रिय है देश विदेश में हमारी सितार। और अगली थी बांसुरी। ये रही, बांस में फूको तो सुर बन जाता, बांसुरी है कृष्ण का प्यारा बाजा, उंगलियों से इस पर अपनी धुन बनाना, जहां चाहो इसे साथ ले जाना। और फिर आती है शहनाई की बारी। इसका स्वर खुले यादों का पिटारा, याद है कहां सुना था तुमने यह बाजा। और मासी को इस तरह गाते हुए देखकर
विवान ने भी गाते हुए बताया, मासी के विवाह में बजी थी शहनाई, बधाई हो सबको बधाई। माँ और मासी जोर से हंस पड़े, उसको गाते हुए देखकर सबको बहुत मजा आया। मासी ने कहा, चलो चलो अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है, मंच पर सभी इंस्ट्रूमेंट्स पहुंच गए हैं और दर्शक भी आ गए हैं। और फिर पूरा हॉल संगीत से भर गया और संगीत की महफिल पर जम गई। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अब आपको क्या करना है? तो आपको जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता है, आप उनका नाम लिखकर उनकी ड्राइंग बनाकर हमें भेज सकते हैं। अगर आपने कहीं और नहीं देखे तो जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बताए हैं आप उनके बारे में भी हमें बता सकते हैं। और जो गाने मैंने गा के सुनाए आप वह गाने की रिकॉर्डिंग करके भी हमें भेज सकते हैं, ओके? और क्लासरूम में पे अपडेट अपलोड कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।